आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो आपको बखूबी समझा देगा कि क्वांटम फिजिक्स में चीजें कैसे काम करती हैं। क्वांटम दुनिया हमारी दुनिया से इतनी ज्यादा अलग है कि वहाँ कहीं भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। आज से 100 साल पहले हमने क्वांटम वर्ल्ड को पहली बार जाना था। क्वांटम फिजिक्स कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो अचानक से एक दिन में बन गया। हमने बहुत धीरे धीरे कई सालों की मेहनत के बाद इसके बारे में जाना। इसे दुनिया के सामने लाने में एक नहीं बल्कि बहुत से साइंटिस्ट्स का योगदान रहा। सबसे पहले तो नील्स बोर और मैक्स प्लैंक ने इसकी शुरुआत की। आपने इन महान साइंटिस्ट का नाम भी जरूर सुना होगा। इन्होंने ही पहली बार इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की स्टडी करते वक्त क्वांटम फिजिक्स नाम की नई ब्रांच की शुरुआत की थी। हालांकि जब यह दुनिया के सामने रखा गया तो इस ब्रांच का बहुत विरोध हुआ, और हो भी क्यों ना। आज से लगभग 100 साल पहले की दुनिया में अगर एक ऐसी फिजिक्स को रख दिया जाए जिसके रूल्स पूरी तरह से इलॉजिकल लगते हो तो विरोध तो होगा ही। क्वांटम फिजिक्स के नियम हमारी दुनिया से बहुत बहुत अलग हैं, जहां पर पार्टिकल्स एक ही समय में अलग अलग जगह में मौजूद हो सकते हैं, एक ही टाइम पर कई सारी स्टेट्स में हो सकते हैं और एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी दुनिया में किसी सुपर पावर से कम नहीं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में यह चीजें नॉर्मल हैं। यही कारण है कि शुरुआत में बहुत से साइंटिस्ट ने क्वांटम फिजिक्स पर यकीन नहीं किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बार बार यही साबित कर रहे थे कि क्वांटम दुनिया ऐसी ही है। तो चलिए इस वीडियो में अच्छे से जानते हैं क्वांटम वर्ल्ड और इसके रूल्स के बारे में। यह बात है 1930s की, जब साइंटिस्ट ने क्वांटम फिजिक्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। क्वांटम पार्टिकल्स पर लगातार किए गए एक्सपेरिमेंट से हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। जब भी हम किसी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं तब वह अलग तरह से बिहेव करता है, और जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो अलग तरीके से। एक्चुअली जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व या देख नहीं रहे होते हैं तो वह वेव फॉर्म अपनी सारी पॉसिबल स्टेट्स में एक साथ मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पार्टिकल अपनी स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं वो सब में एक ही साथ एक ही टाइम पर मौजूद होता है। किसी पार्टिकल का एक ही टाइम पर अपनी सारी पॉसिबल स्टेट्स में मौजूद होने को उसकी सुपरपोजिशन स्टेट कहा जाता है। लेकिन जैसे ही हम उस क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे या फिर उसे देखेंगे तो उसका वेव नेचर कोलैप्स हो जाएगा और वह अपनी सारी स्टेट्स में से किसी एक क्वांटम स्टेट में आ जाएगा। हो सकता है वह स्टेट ए हो, स्टेट बी हो या फिर स्टेट सी। अगर आप सोच रहे हो कि हम उस पार्टिकल को डायरेक्टली ऑब्जर्व ना करके किसी डिवाइस की मदद लें तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी डिवाइस की मदद से। अगर हम किसी भी तरीके से उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसका वेव फॉर्म कोलैप्स हो जाएगा और वह अपनी किसी एक स्टेट में आ जाएगा। भले ही हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करें या फिर हजारों डिवाइसेस की एक चेन बनाकर ऑब्जर्व करें। इस चीज को कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब यह नियम क्वांटम पार्टिकल्स पर तो अच्छे से लागू हो जाता है, लेकिन वहीं अगर हम इसी नियम को अपनी रियल वर्ल्ड में लागू करने की कोशिश करें तो चीजें बहुत कंफ्यूजिंग और इलॉजिकल हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए किसी बड़े से फुटबॉल ग्राउंड में केवल आप हैं और आपके सामने ग्राउंड पर एक फुटबॉल पड़ी है। अब वह फुटबॉल केवल दो स्टेट्स में मौजूद हो सकती है, या तो वह रुकी हुई होगी या फिर मूव कर रही होगी। जब आपने पहली बार में उस फुटबॉल को देखा तो वह ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर पर रखी थी। अब अगर आपने केवल 2 सेकंड के लिए अपनी नजरें ग्राउंड से हटाई तो फुटबॉल के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि वह फुटबॉल लाखों करोड़ों क्वांटम पार्टिकल से ही बनी है, तो उस पर भी क्वांटम फिजिक्स के रूल अप्लाई होने चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उन 2 सेकंड के लिए वह फुटबॉल अपनी सभी क्वांटम स्टेट्स में मौजूद होगी। केवल उन 2 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वह फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर में भी होगी, बाउंड्री लाइन के पास कहीं मूव भी कर रही होगी, पेनल्टी एरिया में भी होगी, गोल नेट के अंदर भी मौजूद होगी, वह रुकी हुई भी होगी और मूव भी कर रही होगी, और इसी तरह करते करते वह उस पूरे ग्राउंड के हर पॉइंट पर मौजूद होगी। और 2 सेकंड बाद जैसे ही आपने उस फुटबॉल को वापस देखा तो उसकी सुपरपोजिशन स्टेट कोलैप्स हो जाएगी और वह उन सारी पॉसिबल स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में आ गई।
अब हो सकता है कि उस स्टेट में वह फुटबॉल बाउंड्री में हो, पेनल्टी एरिया में हो, गोल नेट में हो या फिर सेंटर में ही हो। अब जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा अगर 2 सेकंड में ही फुटबॉल अचानक से सेंटर से हटकर बाउंड्री में चली जाए और वो भी अपने आप। जाहिर है हमारी दुनिया इस तरह काम नहीं करती और इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि भले ही हम क्वांटम पार्टिकल से बने हैं लेकिन क्वांटम फिजिक्स के नियम हमारी दुनिया पर लागू नहीं हो सकते। और इसी बात को समझाने की कोशिश की साइंटिस्ट अरविंद श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर को शुरू में क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो भी इसके विरोध में थे। इसके लिए उन्होंने 1935 में एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने दुनिया को यह समझाने की कोशिश की थी कि अगर क्वांटम फिजिक्स के रूल हम अपनी असली दुनिया पर लगाएं तो चीजें बहुत अजीब हो जाएंगी। हमारी दुनिया में कोई भी चीज सुपरपोजिशन स्टेट में कभी नहीं जाती। इस एक्सपेरिमेंट को श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है और मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि आपने कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिससे श्रोडिंगर ने कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन और क्वांटम फिजिक्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया था। इस थॉट एक्सपेरिमेंट में श्रोडिंगर ने कहा कि अगर हम एक बड़ा सा बॉक्स लें और जिसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दें जिसके डिके होकर रेडिएशन रिलीज करने के 50-50 चांसेस हों, यह सब्सटेंस कुछ ऐसा है कि अगर यह थोड़ी देर में डिके ना हुआ तो आगे भी लंबे समय तक डिके नहीं होगा। इसके साथ ही हम इसमें एक सेंसर लगाएं जो रेडिएशन को डिटेक्ट करके काम करता हो और इसके अलावा हम इसमें एक छोटा सा हथौड़ा और एक केमिकल बॉटल रख दें जिसमें जहरीली गैस भरी हो। यह बॉटल एयर टाइट होनी चाहिए ताकि इसमें से बिल्कुल भी गैस लीक ना हो। अगर हम ये सारी चीजें सेट करके उस बॉक्स के अंदर रख दें तो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हम एक कैट यानी कि बिल्ली को रख देंगे और बॉक्स को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। अब क्योंकि कोई भी उस बॉक्स के अंदर नहीं देख सकता तो हमें नहीं पता चलेगा कि उस बॉक्स में क्या हो रहा है। अगर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सोचा जाए तो ये सारी चीजें अपनी सारी पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स में मौजूद होंगी। वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या तो डिके हो चुका होगा या फिर नहीं हुआ होगा। अगर वह डिके हुआ होगा तो उससे रेडिएशन निकलेंगे जिसे सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और हथौड़ा नीचे गिरा देगा जिससे जहरीली गैस से भरी वह बॉटल टूट जाएगी और उस गैस से बिल्ली मर जाएगी। लेकिन अगर वह डिके नहीं हुआ होगा तो सेंसर कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वह हथौड़ा भी नहीं गिराएगा तो हमारी केमिकल बॉटल भी नहीं टूटेगी और बिल्ली जिंदा बच जाएगी। अब इसी चीज को अगर हम क्वांटम फिजिक्स के रूल्स अप्लाई करके देखें तो वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक ही टाइम पर एक साथ डिके भी हो चुका होगा और नहीं भी हुआ होगा और इसी तरह वह बिल्ली एक ही टाइम पर जिंदा भी होगी और मरी हुई भी होगी। और जैसे ही हम उस बॉक्स को खोलेंगे तो वह बिल्ली अपनी दोनों स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में चली जाएगी यानी या तो वह हमें जिंदा दिखेगी या फिर मरी हुई। मान लीजिए यहाँ पर हमें बिल्ली मरी हुई दिखती है, यहाँ तक तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम और कंफ्यूजन नहीं हुई। लेकिन जरा सोचिए कि अगर उस बॉक्स को दोबारा उसी कंडीशन में बंद कर दिया जाए तो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से वह बिल्ली वापस से अपनी दोनों क्वांटम स्टेट्स में चली जाएगी और अपनी उसी सुपरपोजिशन स्टेट में रहेगी जब तक दोबारा कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता। अब अगर उस बॉक्स को दोबारा खोला जाए तो वह बिल्ली अपनी सुपरपोजिशन स्टेट से किसी पॉसिबल स्टेट में वापस आ जाएगी और दोबारा खुलने पर उस बिल्ली के जिंदा या मरे हुए मिलने के चांसेस 50-50 होंगे। लेकिन एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हमने पहली बार बॉक्स को खोला तो वह बिल्ली मरी हुई थी और जब हमने दोबारा बॉक्स खोला तो वह जिंदा हो गई? जाहिर सी बात है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भले ही हम उस बॉक्स को कितनी बार भी खोलें या बंद करें वह बिल्ली हमें उसी स्टेट में दिखेगी जिस स्टेट में हमने उसे पहली बार में पाया था। अगर वह पहली बार में ही मर गई थी तो हम कितनी बार भी इस एक्सपेरिमेंट को दोहराएं वह बिल्ली हमें जिंदा कभी नहीं मिलेगी। और इसी तरह अगर वह पहली बार में जिंदा बच गई थी तो दोबारा में वह हमें मरी हुई नहीं मिलेगी। क्वांटम फिजिक्स का कहना था कि भले ही पहली बार में हमें वह बिल्ली मरी हुई मिली लेकिन दोबारा खुलने पर ऐसा पॉसिबल है कि वह बिल्ली हमें जिंदा मिल जाए। लेकिन ये हमारी दुनिया में पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। यह एक्सपेरिमेंट उस समय क्वांटम फिजिक्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा था क्योंकि क्वांटम फिजिक्स हमारे रियल वर्ल्ड के
कई एक्सपेरिमेंट्स को समझाने में सक्षम नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, ये बात 1935 की है, जब हमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स के नियमों को और भी अच्छे से समझाने की कोशिश की। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस और प्लैंक क्वांटम थ्योरी इस चीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि क्वांटम वर्ल्ड और हमारा रियल वर्ल्ड बहुत अलग है। क्वांटम फिजिक्स के नियम हम अपनी दुनिया में अप्लाई नहीं कर सकते और उसी तरह अपनी दुनिया के नियम हम क्वांटम वर्ल्ड पर भी नहीं लगा सकते। जब चीजें एटॉमिक स्केल पर चली जाती हैं, तो वहाँ पर हमारी क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं आती। एटॉमिक स्केल पर पार्टिकल्स का मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है और उसकी स्पीड लगभग लाइट स्पीड के पास पहुँचने लगती है। ऐसी कंडीशन में क्लासिकल फिजिक्स हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती और इसीलिए हमें फिजिक्स की एक नई ब्रांच क्वांटम फिजिक्स बनानी पड़ी। आप मानेंगे नहीं कि खुद श्रोडिंगर ने भी बाद में क्वांटम फिजिक्स की बहुत स्टडी की और इस फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी हासिल की। उन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी जिसे आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली मैटर वेव से डील करती है। श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट ने उस समय एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया था जिसे एक्सप्लेन कर पाना कोई आसान काम नहीं था। क्वांटम फील्ड में यह थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है और इसीलिए यह इतना जाना जाता है। क्वांटम थ्योरी को समझना और समझा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत ना की होती तो शायद ही हम फिजिक्स के इस ब्रांच के बारे में ज्यादा कुछ जान पाते। MRI मशीन्स, लेजर्स, सोलर सेल्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और क्वांटम कंप्यूटर्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड हैं और आने वाले फ्यूचर भी क्वांटम मैकेनिक्स पर ही बेस्ड है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ढूंढना बाकी है। खैर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।